friends, welcome to Rimpi's Indo-Canadian Kitchen. So today we will be doing icing for the cake. So cake ki icing jo aaj cream cheese se nahi kar rahe, hum log cream se kar rahe hain, whipping cream se. So let's start for that and keep watching Rimpi's Indo-Canadian Kitchen for more details and more videos, more recipes. And ye jo cake ki recipe hum karne ja rahe hain aaj show cake ki icing ki, to aap dekhenge ki usme different techniques main sikhaungi. So let's get started for that. तो केक की आइसिंग के लिए सबसे पहले हम लेंगे क्रीम. आप कोई भी हैवी व्हिपिंग क्रीम ले सकते हैं, जो भी आपको स्टोर में अवेलेबल है, बाय दैट वन. उसको निकाल लीजिए. इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है कि यू नीड दिस मच, राइट? सो अप टू डिपेंड्स ऑन कि आपने कितना केक बनाना है. सो आई एम यूजिंग ऑलमोस्ट राइट नाउ, दिस इज 473 ml, सो आई एम यूजिंग दैट मच. तो जैसे क्रीम इसमें पोर कर दी, सो वी कैन यूज दिस हैंड ब्लेंडर. चाहे आप ये हैंड ब्लेंडर यूज कीजिए, इलेक्ट्रिक, या हाथ से कीजिए, पर हाथ से इट इज गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम, सो बेटर इज हैंड ब्लेंडर. सो स्टार्ट इट विद द स्लो स्पीड एंड देन वी विल इंक्रीज द स्पीड स्लोली. जैसे मुझे लगा ना कि बटर में ना बन जाए, तो आई एम जस्ट पुटिंग सम आइस इन बिग कंटेनर और उसके ऊपर मैं ये रख रही हूँ. आपको ऐसे लगने लगेगा कि ये हो गई है, सो इट्स स्टिल नॉट डन बिकॉज इट्स टू लाइक लाइट, राइट? सो लिक्विडी है ना, वी डोंट वॉन्ट लिक्विडी. पर आपको जैसे लगे ना कि इस तरह से हो गई है, लेकिन इट कैन टर्न इनटू मक्खन, राइट? इट कैन लाइक मेक इट इनटू बटर. सो आप क्या कर सकते हैं कि नीचे आइस रखिए, सो कीप आइस डाउन अंडर द क्रीम एंड देन जस्ट व्हिप इट. सो अब मुझे लगा ये थोड़ा सा पीक बन गया, हमें भी पूरा नहीं हुआ अभी भी. सो एट दिस पॉइंट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, कि जैसे हमने ऑलमोस्ट 400 ml की क्रीम हमने क्रीम ली थी, उसमें मैं हाफ कप चीनी डाल रही हूँ, शुगर जो पीसी हुई है. आई ट्राई टू एड लाइक एज लेस शुगर एज वी कैन ईट. तो आप इस शुगर को बहुत ज्यादा मत डालिए, क्योंकि आपका ये थोड़ा सा फिर लिक्विड ही हो जाएगा. सो वी आर स्टार्टिंग इट विद अगेन चर्निंग इट, राइट? सो इससे ब्लेंडर से फिर करेंगे जब तक ये हो नहीं. Look at this. See, this icing is now stiff, right? So that's all. It's making peaks. So हमें ऐसी icing चाहिए. तो जैसे ये ready हो जाए, before it gets turned into the butter. So what we are going to do, we'll keep it in the freezer for some time. There's just about like 3-4 minutes. Until then, we'll prepare for the other stuff for the cake. तो अब जो हम cake शुरू कर रहे हैं, तो जैसे भी cake आपने, जैसा भी cake हो, जो bake किया है, so what we are going to do, we will keep it in something, right? So and then just remove the sides. The sides is the first thing to remove. Try to remove as thin as you can, right? So that aapke paas cake ki capacity zyada reh jaye. So like this, and I'm doing the other way also. So is tarah se. अब मैंने दूसरा एक और चॉकलेट केक भी बनाया हुआ है, बिकॉज आई एम यूजिंग टू फ्लेवर्स. तो इसको भी हम ऐसे करेंगे कि साइड से काट देंगे साइड्स की सारी. तो केक की ना टेक्निक्स हैं कि हाउ टू मेक दिस, दैट्स आई एम गोइंग टू शो यू. सो अब जो केक वी हैव कट डाउन फ्रॉम ऑल द साइड्स, राइट? देखिए कितना अच्छा स्पॉन्जी केक है. तो आप ऊपर वाला ना इसको हल्का हल्का, जस्ट डू इट दिस वे, डू नॉट कट द होल थिंग, इसको बिल्कुल लाइक दिस. सो जब इतना हो जाए, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एक कोई भी थ्रेड ले लीजिए. सो एक थ्रेड लेके, सो दैट इज अ बिग टेक्निक. आपको मैं यहां से ऐसे दिखाती हूँ, पर आप सीधा रख के करिए. आप देखिए कि बिल्कुल इसका सेंटर लीजिए, कोई भी केक है उसका सेंटर में ऐसे दोनों साइड से एक बार थ्रेड अच्छे से फंस जाए, दिस में, इसलिए
right? So now what I am going to do, I am used to it, that's why I'm just doing it ki ye khada karke kar rahi hu, but don't try it kyunki pehli baar aap karoge aapse cake toot na jaye. So we are just doing, look at that, look at my like thumbs. Main isko dheere dheere aise leke aa rahi hu niche. So it is using like my knife, right? So see, ye dekho kaise aa raha hai na cake. So that's how, but aap aise rakh ke hi use kijiye. So I'm just showing you the thumb so that you can see. So isko thumb ko aise main thoda sa thumb ko daba rahi hu, bilkul light with the thread, right? So it's almost done. I have reached here. I will just like finish it. And इसी तरह से हमने जो भी केक बनाया चाहे गोल हो चाहे स्क्वायर हो, look at this. ऐसा आप नाइफ से नहीं काट सकते हो सीधा. So that's what we want. I will show you one more time on the different cake now, on the chocolate. That's why I made two cakes. कि आपको दो बार टेक्निक सिखाऊंगी, then you can learn. So again, what we are going to do? We are just like on the corners. हमें इसको फिट करना है. So properly, that is the first thing. आपको इसको पहले सीधा करके कि corners में fit हो जाए और चलने लग जाए. And now look at my thumbs. So जैसे हम threading करते हैं या कुछ भी knit करते हैं तो इस तरह से हिलाते रहते हैं. So that's what I am going to do here. So now look at that. See, again red. So now let's start the icing. तो अब मैंने केक यहाँ पे रख लिए हैं. So what I'm going to do, आप किसी भी बना सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, राइट? तो आप चाहे इसमें बनाइए केक यहाँ पे किसी और चीज में. मैंने क्या किया, दोनों केक ऐसे रखे हैं. मैं क्या करने वाली हूँ कि दूसरे केक को चॉकलेट वाले के ऊपर व्हाइट वाला के ऊपर चॉकलेट वाला आएगा और चॉकलेट वाला उसके ऊपर व्हाइट वाला आएगा. सो और ये वाली साइड मैं अंदर यूज कर रही हूँ क्योंकि इसका क्या होगा, दिस साइड व्हाई आई एम यूजिंग इन साइड, क्योंकि दोनों साइड है थोड़ी सी हार्ड हो जाती है कई बार ऊपर से. अगर अच्छे से काट दो फिर तो कोई भी साइड यूज कर सकते हैं, बट इस तरह से रखने से एंड में, सो इट विल गिव यू अ स्मूथ लाइक ऑन द टॉप. सो दैट्स व्हाई. सो बिफोर आई यूज दैट, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल शो यू लाइक बिफोर आई मेक दिस. आई विल टेक अ बॉटल और यू कैन टेक अ कटोरी, ईदर थिंग यू कैन. यूजली केक में सारे लोग क्या करते हैं कि एक शुगर और वाटर का सिरप यूज करते हैं, बट आई डोंट लाइक इट, राइट? सो द रीजन इज क्योंकि इट्स नॉट हेल्दी, दैट्स अ लॉट ऑफ शुगर. तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि पाइन एप्पल जूस आता है, फ्रेश पाइन एप्पल जूस भी ले सकते हैं. तो फ्रेश पाइन एप्पल जूस लीजिए क्योंकि पाइन एप्पल का फ्लेवर सबको अच्छा लगता है. बाकी डिपेंड्स ऑन लाइक वॉट एवर फ्लेवर यू लाइक, राइट? सो एंड देन आई एम एडिंग सम पीच फ्लेवर इन इट. तो आप पीच जूस, आप दोनों जूस इसमें कर लीजिए. तो इस जूस को हम लोग यूज कर लेंगे और साथ में आप क्या कर सकते हैं इसमें कि और आपको फ्रेश जूस, ऑरेंज जूस निकाल लीजिए, वो करिए, तो मिक्स कर लीजिए. मैं बॉटल क्यों यूज कर रही हूँ अभी आप देखना क्या रीजन है कि बॉटल से कटोरी से आप डालेंगे तो थोड़ा थोड़ा ना कटोरी से कई बार ज्यादा कम डल जाता है, तो इससे लाइक द स्प्रिंकल. सो दिस इज द बिग टेक्निक जो आपको केक के लिए चाहिए चाहिए. अ लॉट ऑफ पीपल कैन मेक द केक बिकॉज देयर केक डजंट गो लाइक जूसी, इट हैज टू बी जूसी. And not only this part, it has to be juicy on both top part also. So ये देखिए, आपको दिख भी रहा है कि कैसे मैं जूस डाल रही हूँ इसके ऊपर. तो ये जूस जो है ना ये सोक कर लेगा. तो इतनी देर में मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या करना है. आपको जो हमने ये वाले केक भी मैंने काट के रखे हैं, मैं इनको भी अभी से करके रख दूंगी सोक. सो अगर सोक किए होंगे पहले से then it is better for you, right? So क्योंकि अगर soak किए हुए हैं तो उस time पे उठा के रखने हैं और जितनी ज्यादा soak हो जाए उतना easily ऊपर से cream लग जाएगी जो हमने whip की है. अगर ऊपर से पानी पानी होगा then you cannot use that cream. So these are very small techniques which I am showing you, right? But use these techniques and I'll bet you like you can make really good cake at home. ये सारी housewife के लिए techniques हैं. जैसे हम घर में बैठे हम कोई cake में वो तो है नहीं है कि कोई professionals. So, but we can still make right good cakes. So now juice is being soaked, right? Look at that. So you can feel there's no juice now on top of it. और आप you know what कि अगर आपको लग रहा है कि आपको ऐसे trick करना है तो you can do that as well. तो इससे juice easily अंदर चला जाता है. तो हम लोग यहाँ पे icing लगाएंगे. से पहले आइसिंग अभी कीप में भरने की जरूरत नहीं है. सो सी माय आइसिंग इज सो स्टिफ, राइट? सो इट इज स्टेइंग हियर. जब आप बहुत गर्मी होती है ना देन इज अ प्रॉब्लम, राइट? सो इट्स टू हॉट. तो उस हॉट में हम क्या करें, देन ऑल्सो कीप लाइक जब आप आइसिंग बाहर भी रख रहे हैं ना, सो कीप इट ओवर द सम आइस.
So in that case, like it will not melt. Otherwise, it will melt. Or iski icing sirf upar hi nahi lagani. So we are putting on the sides as well. So on the sides as well. See, so sides bhi cover kar do. आपके ऊपर डिपेंड करता है हाउ मच आइसिंग यू वांट. यू कैन पुट, इसमें कोई क्वांटिटी नहीं है, इतने इतनी ही डालनी है, इतनी क्यों नहीं डालनी है, मैंने इतनी क्यों नहीं डालनी है, कुछ भी. सो इट इज अप टू यू कि आप आइसिंग कितनी लाइक करते हैं. तो आप उतनी ही आइसिंग लगाते जाइए. अब हम क्या कर रहे हैं, अंदर आपको ना इतनी स्मूथ करने की जरूरत नहीं है. यूजली हम लोग इससे वैसे स्मूथ कर लेते हैं, इफ यू वांट कि आपको अंदर से भी स्मूथ रखना है तो. और इसमें आपको मैं यहाँ पे एक और टेक्निक बताती हूँ. सो व्हाट यू कैन यूज कि आप इसके अंदर फ्रूट्स डाल सकते हैं यहाँ पर. जैसे मेरे पास तो थोड़ी सी ये चेरीज है, फ्रूट्स या चॉकलेट्स, वॉट एवर यू वॉन्ट, राइट, अंदर फ्रेश फ्रूट्स. सो इफ यू हैव दैट फ्रूट, सो अगर आप वो डालें, इट रियली टेस्ट रियली गुड. सो दैन इफ यू कैन मेक अ वेरी नाइस फ्रूट केक. सो आई पुट दैट ऑन. And now I'm going to put this cake on this part. With the chocolate one will go on the white one, and the white one will go on the chocolate one. आपकी मर्जी कैसे भी कीजिए, इसमें कोई टेक्निक्स नहीं होती कि आपने यही वाला केक ऐसे ही बनाना है. You can do either way. अब हमारे इसके ऊपर की टर्न आ जाएगी. सबसे मेनली पार्ट है जो बाद में हम लोग कैसे करते हैं, कि टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए जो मेन है, कि केक तो किसी भी तरह से हो जाएगा. So you know the techniques, then you can make either way, round cake, square cake, either way. Fill it in the keep, any, whatever you want, like if you have. तो क्रीम हम जैसे डाल रहे थे ना केक में, तो इस तरह से आप ग्लास में रखिए, देन फिल इट आउट, राइट, सो लाइक दिस. मैंने ऐसे करके इसको फिल कर लिया, एंड देन यू कैन जस्ट होल्ड इट फ्रॉम द टॉप, पीछे से पकड़िए और थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर लीजिए. सो नाउ इट इज रेडी. सो यू कैन डू नाउ एनी काइंड ऑफ डेकोरेशन यू वॉन्ट, एनी कलर यू वॉन्ट, राइट. तो मैं अपने हिसाब से जो मुझे कलर अच्छे लग रहे हैं या कैसे मैं करना चाहती हूँ, आई एम डूइंग इन दैट वे. तो आप किसी भी तरह से कीजिए.
बच्चे के लिए केक बना रही हूँ, बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद होता है, जस्ट मेक इट लाइक दिस। होप यू हैव लाइक्ड माई वीडियो राइट ऑफ मेकिंग केक। ये केक जो है वो बनाते रहिए और आप अलग अलग तरीके से बनाइए और प्लीज पिक्चर्स पोस्ट कीजिए, हाउ डू यू लाइक इट एंड हाउ हैव यू मेड द केक। प्लीज प्रपोज योर पिक्चर्स, आई वुड रियली लव टू सी योर पिक्चर्स। एंड ऑल्सो इफ यू हैवन सब्सक्राइब येट देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। लुक एट दिस केक, इट लुक्स सो अमेजिंग, लाइक आई रियली फील लाइक ईटिंग इट। So thank you so much for watching Rimpi's Ito Canadian Kitchen, and keep watching, keep liking and subscribing. Thank you.